गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको थ्योरी दिया था। आज उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे बढ़ाते हुए और आज स्टॉपिंग पोटेंशियम को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज कुछ क्वेश्चन करने थे जो हमने पीछे थ्योरी दिए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने थे, उसके बाद फिर हम आगे स्टॉपिंग पोटेंशियम के बारे में आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मुख्य एक क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ एन आर्बिट्री मीटर इज 3.1 न्यूट्रॉन वोम। फाइंड इट्स वेवलेंथ एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड when radiation of 300 nanometer strike the metal surface and I take S is come to 1240 electron bumped angstrom अब इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ एन आर्बिट्री मीटम इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन मतलब इसका क्या दिया हुआ, 5 फाइव क्यों टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फाइंड वेवलेंथ एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वेवलेंथ इसके तो लिखूंगा, फाइव क्यों टू एच सी वाई लैम्डा नॉट या लैम्डा मैक्स जो भी पढ़े, फाइव आपको आ गया कितना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ गया एच सी आपका 1240 y लैम्डा। अब इसको हम लेके इधर आ जाओगे, तो जब इसको हम लेके इधर आ जाओगे तो लैम्डा नॉट इसका तो आ जाएगा 1240 by 3.1, तो पॉइंट को हटा दे ऊपर एक जीरो चला जाएगा, ये कट गया फोर टाइम्स में, तो 4 × 10³ एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ आएगा, है ना, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इसका हमें पूछा है कि फाइंड इट्स वेवलेंथ एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर स्ट्राइक द मेटल सरफेस। अब क्या कह रहे हैं, तो अब कह रहा है कि सर आप पहले यहां से एक जो रेडिएशन आया उससे एक इंसिडेंस एनर्जी निकालो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा एस सी वाई लैम्डा, इस बार नैनोमीटर में है तो ई भी नैनोमीटर का वैल्यू रख लेते हैं 1240। अगर एंगस्ट्रॉम में होता है तो 00 आ जाते हैं, और जब उसके नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ई भी एनएम आ जाएगा, और इसके वेवलेंथ दिए हुए हैं 300 नैनोमीटर, तो एक जीरो से जीरो गया, है ना, यहाँ से काटोगे 4
कितना कट जाएगा ये, 4 या 12, 4 बटा 41.3 बाई 10 मतलब 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका नैनोमीटर से अभी कट गया नैनोमीटर, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना बचा। अब आपको कह रहा है कि सर फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया थे, इंसिडेंस ई आई माइनस 5 था, ई आई आया 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई आया आपका दिया हुआ था क्वेश्चन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1.2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पे ध्यान दें, है ना, आपके पास क्या होगा क्वेश्चन पे ध्यान दोगे उसकी लैंग्वेज को पकड़ोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से हो जाएगा। हमने इसकी थ्योरी पहले पढ़ ली है, तो आप इसमें इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप इससे पहले का लेक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 1 देखें, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद आप उसके रिलेटेड उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। हो गया, एक क्वेश्चन देते हैं, आप पहले उस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। द वेवलेंथ टू शो द वेवलेंथ टू शो फोटोमेटिक इफेक्ट इज फोटोमेटिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर इज 200 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन विथ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ द विथ हाफ द काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इमिटेड बाय द रेडिएशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द emitted by the radiation of wavelength of wavelength 120 नैनोमीटर। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना, आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूं पॉज करके इसको पढ़ूं। हो गया, देखिए कहेंगे क्या करें द वेवलेंथ ऑफ शो फोटोमेटिक इफेक्ट, क्या कि अगर कोई फोटोमेटिक इफेक्ट शो करता है तो फोटोमेटिक इफेक्ट शो करने का मतलब है कि उसके पास क्या होगा कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे ज्यादा वेवलेंथ का लाइट होगा। कहें कि 200 नैनोमीटर का कहें द वेवलेंथ, अब एक 200 नैनोमीटर का वेवलेंथ दिया इसके ऊपर, इस तरीके से, और कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
फोटो इलेक्ट्रॉन विद द हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो इसका कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की हमने फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ई आई माइनस फाइव, ये हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। अच्छा, किसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, पहला इक्वेशन ये बनाते हैं, किसका, जो उसकी हाफ हो जाएगी जब वेवलेंथ कितना दिया जाएगा, 120 नैनोमीटर दिया जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ई आई माइनस फाइव, इसका भी देख सकते हैं। हम दो इक्वेशन तैयार करते हैं, एक इस वेवलेंथ के ऊपर, एक उस वेवलेंथ के ऊपर, है ना। अगर हम यहाँ पर से देखेंगे तो पहला जो वेवलेंथ दे रहा है वो 200 दे रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी वही टू, इसका टू ई आई क्या होगा तुम्हारा, एस सी वाई लैम्डा। इतने देखो, करा था वेवलेंथ ऑफ द शो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 200 नैनोमीटर, तो ये जो इंसिडेंट होगा 200 होगा, और माइनस तेरे पास क्या हो जाएंगे, वर्क फंक्शन आ जाएंगे, है ना, वर्क फंक्शन 5 हो जाएगा। अब इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी वाई लैम्डा कितना जाएगा, 120 आपका, और माइनस 5 आ जाएगा। अब इसमें ये क्या रहा है कि अब भाई यहाँ क्या करो, इसका वेवलेंथ बता दो। तो अगर आपको रेडिएशन का वेवलेंथ बताना है तो मीटरंग तो सेम ही है, दोनों सेम मीटरंग का वेव फंक्शन क्या होगा इसका, या इसका वर्क फंक्शन सेम होगा। अब मीटरंग सेम है तो इसको इक्वेशन वन करूँगा, या इसको इक्वेशन वन करूँगा, इसको इक्वेशन टू करूँगा। अब किसी से वर्क फंक्शन निकाल करके यहाँ पुट कर दें, है ना। तो जब किसी से वर्क फंक्शन निकालते हैं, मान लो यहाँ से फाइव निकाल, तो आ गया 120, ऐसा आ गया काइनेटिक एनर्जी एस सी वाई 120 माइनस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा आ गया। अब इस फाइव का वैल्यू, वैल्यू ऑफ फाइव, वैल्यू ऑफ फाइव पुट इन इक्वेशन वन में, और फाइव अगर वहाँ पुट कर दोगे तो देखो इधर आएगा काइनेटिक एनर्जी वाई टू, अरे इज कम टू एच सी, वहाँ पर आ गया 200 माइनस फाइव, तो माइनस आ जाएगा एच सी वाई 120 माइनस माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी, हो गया। या भी रखना जैसा एक स्टेप और बढ़ाओ, तो इसको काइनेटिक एनर्जी वाई टू इसका टू एस सी वाई 200 और माइनस यहाँ एच सी वाई 120 अपन काइनेटिक एनर्जी, हो गया। अब इस काइनेटिक एनर्जी को इधर लेके आ जाओ, तो हाफ काइनेटिक, हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी और माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी, कॉमन ले लेते हैं तो 1/200 माइनस 1/20 ये आ जाएगा। अब यहाँ से जब करोगे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी। यहाँ पर कह रहा है कि कितना आना चाहिए इसका, 1/200 और माइनस 1/20। अगर एलसीएम इसका निकालें तो 200 और 120 का एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो यहाँ 50 हो गया, ये 30 हो गया, अगर यहाँ से 5 बार कम आ जाते हैं तो 6, 10 हो जाएगा, पाँच 15, 30, 35, 150 हाँ आ जाते हैं अंक से 600। अब ये 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस 5 यहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ आ गया 1/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और बराबर ये आ जाएगा माइनस
ना थ्री में से टू, तो माइनस टू एट सी बाई 600, माइनस माइनस गया इधर लेके जाओ जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर टू इधर जाएगा तो 480 बाई 600। एच सी क्या होगा 1240 रखो तो 4 × 1240 बाई 600। कह रहा था द वेवलेंथ टू शो फोटोमेटिक इफेक्ट इतना नैनोमीटर कैन कंक्लूड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब यहाँ से क्या करना है मुझे काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किस में रख करके वहाँ से उसका क्या कर लेंगे वेवलेंथ निकाल लेंगे। अब यहाँ से जीरो जीरो कट गया, ये काट दो 15, ये काटो 5 टाइम्स का और 5 × 15 = 12 41.3 ऐसा कट जाएगा। तो 41.3 बाई 5 8 × 40 और 8.2 के आसपास आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या रहेगा इसका 8.2 के आसपास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी से तुम्हें वेवलेंथ निकालना, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो यहाँ से वेवलेंथ निकालूंगा हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे 8.26 अरे ये इतने जूम्स इतने इलेक्ट्रॉन घूम था गए। अब मुझे अगर किसी का वेवलेंथ निकालना है तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट एच सी वाई लैम्डा। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना रख देते हैं, वहाँ यहाँ से रखूँ काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी वाई 120 माइनस एच सी वाई 120 माइनस एच सी वाई लैम्डा। अच्छा चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक रहने दो है ना। यहाँ से हम सॉल्व करने थे डायरेक्ट वेवलेंथ, हमको काइनेटिक एनर्जी मांग नहीं रहा, डायरेक्ट वेवलेंथ मांग रहा, मुझे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया 480/600। अब यहाँ से अगर हमको निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इंसिडेंट एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे या 1 किसी में भी रख दो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर करोगे तुम क्या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखोगे 480/600 बराबर एच सी बाई 120 माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, ऐसा आ जाएगा। एच सी कॉमन में क्यों रहा दो है ना, यहाँ पर आ गया तेरे पास 150 तो 1/150 और यहाँ आ गया 1/120 माइनस 1/ कितना गया लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट को उधर कर दो 1/λ0 इज कम टू कितना गया 1/120 माइनस 1/150। इसके भी 600 मिल लेते हैं अगर इनसे तो 12×50 = 60 5 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा है ना, 15×60 आ जाएगा। तो 1/λ इज कम टू 600 नैनोमीटर, तो मैं बताऊँ लैम्डा नॉट इज कम टू कितना आ जाएगा 600 नैनोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 नैनोमीटर आ जाएगा। आप इसको देख लोगे तो क्या होता सही है, आपको 600 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ निकाल करके आएगी। तो देखो करना क्या था, इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, क्वेश्चन ध्यान से देखना था कि द वेवलेंथ ऑफ टू शो फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर, जो उतना वेवलेंथ चाहिए था जो फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखा गई है 200 नैनोमीटर वेवलेंथ का यह आना चाहिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, करा कि उस वेवलेंथ को प्रोड्यूस बताइए जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो पहले की काइनेटिक एनर्जी से हाफ हो जाता। यहाँ तक आइए आपका सुन हो गया। चल एक क्वेश्चन है जो इंटीजर टाइप का है, जे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं है ना। जे ने पूछा बहुत इजी सा क्वेश्चन वो किया है,
The question is the work function of some metal. The work function of some metals is in state removal. Is in state removal. The number of metals being so photoelectric effect. When light of 300 nanometer wavelength form on the metal. मीटम दिया हुआ आपको, इसमें मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कॉपर एजी एफई पीटी और डब्ल्यू और इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ 2.4 2.3, 2.2, 3.7, 4.8, 4.3, 4.7, 6.3 और 4.75. देना समझना कि अगर कह रहा है कि हम क्वेश्चन करूंगा तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं. क्वेश्चन प्रो यहाँ क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटम इज इंस्टेड बीम द नंबर ऑफ मेटम बीम, है ना. कुछ मेटम का नीचे दिया गया है, कहता है बीम शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है. बताओ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखा सकता, जिसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो. सॉरी सर, क्या करें. देखो हमने क्या कहा कि मेरा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखा सकता है, वो दिखा सकता है जिसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या हो, कम हो, या तो जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो. वैसे कंडीशन में दिखा सकता. तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया, वेवलेंथ दिया, वेवलेंथ दिया था आप मगाम सर इसका क्या वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कितना तक दिखा सकता है, तो नैनोमीटर में है तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. अच्छा ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए, ध्यान रहे इसको, बाई 300 ये काटो, जब काटोगे तो तेरे पास आएगा कितना 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले का जो वर्क फंक्शन, उससे जो कम का वर्क फंक्शन है, सोचो कोई मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन अगर 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर इससे ज्यादा एनर्जी क्या देंगे, है ना, अगर इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो ये आ जाएगा, तो वर्क फंक्शन ही ज्यादा. अगर इससे कम एनर्जी दोगे तो तुम्हारे पास क्या होंगे, वहां से फोटोन बाहर निकल नहीं पाएगा. तो इससे जितने कम है वो सबका सब तो शो करेगा, इससे ज्यादा जो वर्क फंक्शन आ गया वो 300 नैनोमीटर पर वो तुम्हारे पास क्या हो सकता है, नहीं शो कर सकता, क्योंकि 300 नैनोमीटर पर जो वर्क फंक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए वो होना चाहिए 4.1. और अगर हमको क्या होगा कि इससे ज्यादा का वर्क फंक्शन आएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा और वो फोटोइलेक्ट्रिक शो नहीं कर पाएगा.
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए वहां पर क्या चाहिए कि जो उसका मैक्सिमम वर्क फंक्शन है वो 4.13 चाहिए। इससे जितना कम वर्क फंक्शन आ जाए वो बेहतर होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के, है ना। तो यहाँ से आसान से आ जाएंगे। तो ये दिख गया तुम्हें, ये क्वेश्चन जो है ना वो जेई 2011 का है, 2011 का है। और ये क्या कहता था, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछता था, इसमें चार होगा, तीन होगा, कितने मीटर्स होंगे, उस टाइप का सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन ही होता था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये, हाँ ना, जेई 2011 का ये आ गया आपको टॉपिक। इसके बाद हम लोग चले स्टॉपिंग पोटेशियम के एक टॉपिक। तो आपको हमने क्या किया, क्वेश्चन करवा दिए किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आते हैं यहाँ से, बाकी आप वहाँ से प्रूफ देख लेंगे, है ना। जो क्वेश्चन पेपर आपके पास है आप उस पेपर से सॉल्यूशन उसका कर लीजिएगा। हम लोग लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, किसी को रोकने में क्या काम करेगा ये, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या करेगा, रोकने का ही काम करेगा, किसी ना किसी चीज़ों को ये रोकेगा। तो किसको रोकेगा, तो हम पढ़ रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक, तो फोटोइलेक्ट्रिक जब पढ़ रहे हैं इस टाइप से, अब मान लो यहाँ से कोई फोटोन आ रहा था, इसको हमने बैटरी से जोड़ा था, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला था फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी के कारण से ये इस यहाँ से पहुँच रहा था, ये पॉजिटिव था, निगेटिव था, ये तेरा एनोड के पास था, है ना, और ये निगेटिव है, ये कैथोड है। अगर हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को बीच में रोकना, इस फोटो इलेक्ट्रॉन को बीच में रखना, तो बीच में रोकने के लिए मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, है ना। इसके अपोजिट से मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, जैसे कोई अगर उधर से चमता आ रहा है, उधर से भागता आ रहा, हम उसको रोकना ऐसे मारेंगे, है ना, उसके अपोजिट से काम करेंगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम उसके साथ में काम कर दें तो वो धक्का देते जाएगा। इसके तो अगर कोई आ रहा है, हम ऐसे नहीं कि भागते चम रहे, है ना, कोई अगर आ रहा है तो हम उसको धक्का देंगे, हम उसको क्या करेंगे, धक्का देंगे, और जब उसको धक्का देंगे तब जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब है अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, एक पोटेंशियल लगानी पड़ेगी जो क्या करेगा कि जो सबसे फास्टेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पर इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ को रोकनी है तो उससे कम एनर्जी वहाँ तो ऐसे भी रुक जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल यूज करेंगे और वो पोटेंशियल इसको रोकने का काम किया, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिवर्स पोटेंशियल, क्या बोलते हैं उसे, रिवर्स पोटेंशियल। तो वो रिवर्स पोटेंशियल, जिस रिवर्स पोटेंशियल क्या होगा, अभी सोचो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है इलेक्ट्रॉन, इसको तो पॉजिटिव खींचने का, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसमें ना जो पहले एनोड था ये बैटरी का टर्मिनल चेंज कर देते हैं। जैसे बैटरी का टर्मिनल चेंज करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस मटेरियल है, इससे निकलेगा यहाँ से, और ये बैटरी के टर्मिनल अगर हम चेंज करते हैं ऐसा, तो जैसे बैटरी के टर्मिनल चेंज करेंगे, अब ये भी निगेटिव, ये निगेटिव आ जाएगा आपका, तो ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेयर करेगा, और रिपेयर करने से रुक जाएगा, बट इतना नहीं, इतना आसान से नहीं रुक जाएगा, रिपेयर करने में भी कुछ तो काम करने पड़ेंगे, है ना, रिपेयर करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो जब रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए, तो पहले इसको डिफाइन करना चाहिए। तो द रिवर्स पोटेंशियल, व्हिच रिक्वायर्ड टू स्टॉप which required to stop most energetics
छोटे इलेक्ट्रॉन्स। और मोस्ट एनर्जेटिक सीखने का तरीका यही है कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, अगर उस सबसे ज्यादा एनर्जी वाले को रोक लेते हैं तो जितने भी हो सबके सब रुक जाएंगे। इसलिए हम मोस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो जो मोस्ट आएगा वो क्या करेगा, किसको, तो ये जब जितना से जा रहा है इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, उधर से आ रहा है तो वो टकराएगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएंगे। तो इसके द्वारा लगाया गया काइनेटिक एनर्जी और इसके द्वारा लगाया पोटेंशियल एनर्जी बराबर आनी चाहिए। मतलब जब ये अगर कोई इधर से आ रहा है ना, जब कोई इधर से आ रहा है और इसको रोकना चाह रहे हैं तो इस तरीके से मनाएंगे, तो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी इसके वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। अगर सोचो अगर ज़्यादा वर्क लगाता तो ये इधर चलाएगा, कम वर्क लगाता तो उधर चला जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि जब मेरे पास क्या होंगे कि सर वर्क, इसका वर्क के द्वारा बैटरी का क्या होगा वर्क, और इसका जो फोटोइलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी है वो रुक जाएगा। तो ड्यूरिंग या बाई अप्लाइड रिवर्स पोटेंशियल, जब रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं देन तब क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो जाता है वर्डन बाय बैटरी, वर्डन बाय बैटरी। अब तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा, मैक्सिमम का पार्ट किया मैक्सिमम एनर्जी वाला की बात की, तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगा वो इसके वर्क के बराबर होगा। मान लो इसे पोटेंशियल वी नॉट लगा दी तो यहाँ पर भी तो चार्ज पे काम करता, तो वर्क का फॉर्मूला पढ़े करंट में, जो आपने जो 11th 12th में है अभी 11th में है उनको तो थोड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन जो 12th और 12th पास है 13th क्लास में है उनको ये चीज़ें आती होगी समझ में, है ना। जो 12th 11th में है उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हमने करंट पढ़ता पोटेंशियल एनर्जी का जो पढ़ते वर्क डन बाई चार्ज। तो अगर चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल जो है इसका टू क्या हो जाएगा वर्क डन बाई ई ई वी नॉट आ जाएगा, तो वर्क बराबर ई वी नॉट आ जाएगा। अब ये जितना काम किया वह ई वी नॉट आ जाएगा, तो ई और वी नॉट इसका क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसको स्टॉप करने के लिए रोकने के लिए उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बॉन्ड। कोई दिक्कत है ना, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बॉन्ड। अब आपको यहाँ से अब इसको जैसा यूज करना है, मेन फॉर्मूला यही है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की बात करना है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैसे निकालते हैं, इंसिडेंस एनर्जी जितना एनर्जी इंसिडेंस हो और माइनस वर्क फंक्शन इज कम टू ई वी नॉट, ऐसा निकालेंगे, ये भी कर लेंगे। अच्छा देखो एक चीज़ और देखूंगा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इंसिडेंस का एस सी या एच न्यू होता ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट आ जाएगा, बराबर होगा क्या जाएगा ई वी नॉट, समझ में आ गया। कॉपी करूंगा पेन इसको, इसको और भी देखते हैं। हो गया चल, अगर एक इक्वेशन बनाए यहाँ पर वी नॉट बराबर ये वी नॉट इस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड, तो एच न्यू वाई ई माइनस एच न्यू नॉट वाई ई आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब तुम यहाँ से देखो कि जो तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या होता तुम्हें कांस्टेंट होता, और ये एच न्यू तो एच भी कांस्टेंट होता, तो जो कुछ डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर लिखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इस पर डिपेंड करेगा। और सोचो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उसको अपोज करने के लिए उतना ही काम करना पड़ेगा, है ना, उसको अपोज करने के लिए उतना ही काम करना पड़ेगा। यहाँ से हम एक ग्राफ देखते हैं, जो ग्राफ हमने काइनेटिक एनर्जी में बनाया था उसी टाइप के ग्राफ यहाँ देखते हैं। देखो ग्राफ में क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो है तुम्हारा एच न्यू वाई ई
माइनस एच न्यू नॉट वाई। अगर हमें ग्राफ बनाए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे रखे हो, एच वाई ई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एम एक्स 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 पे न्यू रखा हुआ है ना, और माइनस ये वर्क फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से डिवाइडेंगे कॉन्स्टेंट, तो वाई बराबर एम एक्स माइनस सी। ऐसे ग्राफ हमने काइनेटिक एनर्जी में बनाया था, ये ग्राफ की ऑरिजिन इस जगह से होती है। इसका जो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है कितना होगा, माइनस एच न्यू नॉट वाई ई, और इसका जो स्लोप आएगा वो कितने आ जाएंगे, एच वाई ई आ जाएंगे इस तरह से। जब हमने कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ से, तो हम जो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ पढ़े थे उसके भी ग्राफ ऐसे ही स्टार्ट हुए थे इस तरीके से, बट उसका इंटरसेप्ट पॉइंट जो आया था माइनस एच न्यू नॉट आया था, है ना, यहाँ पर आया एच न्यू नॉट बाई ए, और इसका जो स्लोप था वो एच था, इसका स्लोप है एच बाई नी। तो तुम्हें आसान से आज क्या कर सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड बातें कर सकते हो, इसको कॉपी करें, उसके बाद हम एक क्वेश्चन अच्छा सा करा लेते हैं। चुम एक क्वेश्चन लिखे, लाइट ऑफ वेवलेंथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम इंसिडेंट ऑन अ मेटम विथ 5 इज कम टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड, बनाओगे इसको। हेलो देखो, सबसे पहले हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू इवन ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की बात करो। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये सब जो फॉर्मूला रखते हैं ना, ये सबका सब इलेक्ट्रॉन फॉर्म में रखेंगे, तो ईवी 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 ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आसान से। इसमें तुम्हें क्या होगा, सबका सब इलेक्ट्रॉन वोंट में रखना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू मेरे पास ई वी नॉट होगा। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स किससे निकाला जाता है, तो इसके निकालेंगे क्या, ई आई माइनस फाइव ई वी नॉट। अब ई आई दिया तुम्हें, लाइट का नहीं दिया, निकालूंगा ई आई। ई आई कितना जाएगा, एस सी वाई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखना सबको, 1 2 4 0। अच्छा नैनोमीटर में तो 40 / 4 0 ये कट जाएगा, ये कट गया 3 31 / 10, मतलब 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया इसका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस 5 है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबका सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो ई भी जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगने इसका है, इसका ई इसका ई कट जाएगा, है ना, तो सिर्फ बचेगा 3.1 में ये गया, तो 0.8 वोल्ट बच जाएगा, है ना, तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 वोल्ट, वी नॉट इज टू 0.8 वोल्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, है ना, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, ओम वैल्यू आर भयंगो आर इन ई डब्ल्यू ई वी में रखना है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे के सारे भयंगों को आउटपुट करने में। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे के भयंगों को आउटपुट करेंगे तो मुझे कैलकुलेशन में आसान होगा कि अंत में ई कैंसिल हो जाएंगे, और जब ई कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कह सकते हो, आसान से पता कर सकते हो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने आज का कॉन्सेप्ट सीखा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और हमने धीरे धीरे अभी फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने खत्म नहीं किया, फोटोमैग्नेटिक इफेक्ट में अभी और भी पढ़ने, जहाँ पर इंसिडेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ तक ही जाने देते हैं।
है ना, नेक्स्ट इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें पर बातें होगी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, है ना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।